जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत की। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऋषभ पंत की बांग्लादेश के मुकाबले में या बांग्लादेश के मैचों में उनकी सीरीज में क्यों ना वापसी हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे जिस तरह से कमबैक करते हुए उनकी 2 साल बाद उनकी कमबैक करते हुए काबिले तारीफ करनी होगी। जिस तरह से उनकी इंजरी के बाद भी वहाँ पर देखा जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर फ्लाइंग करते हुए काबिले तारीफ करनी होगी फ्लाइंग ऋषभ पंत। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, पंत ने दिखाई चीते सी कुर्ती। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर जो वहाँ देखा हवा में छलांग लगाकर लपका बेहतरीन कैच, जो कि वीडियो में देखा जा रहा है, बहुत ही दंग रह गए वहाँ पर दर्शक। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये काबिले तारीफ करनी होगी और हैरान कर देने वाली बात भी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जबकि ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में लगाया अर्धशतक, पहली पारी में नहीं चला था पंत का बल्ला। वहीं देखें तो लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट में बाहर थे, दूर बनाए रखे थे ऋषभ पंत, जो कि इंजरी के बाद इस फॉर्मेट में वापसी के लिए बेताब हैं। दिलीप ट्रॉफी 2024 में इसकी बनेगी जो कि देखने को मिल रही है। तूफानी बल्लेबाजी यहां पर देखने को बाद पंत विकेट कीपिंग में भी छा गए हैं, जो कि ये उन्होंने चौथा दिन विकेट के पीछे एक शानदार कैच लपकाई। ये काबिले तारीफ, फैंस उनकी दीवानगी बहुत ही बढ़ गई, यहाँ पर फैन फॉलोइंग भी इस कैच से उनका बढ़ गया। दरअसल मैं बात करूँगा, हवा में छलांग लगाकर चीते की तरह से यहाँ पर कैच को पूरा भी किया और इस कैच का वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कि तरह तरह के स्टोरी लगा रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कि इंजरी के बाद जिस तरह से यहाँ पर रबर की तरह यहाँ पर शरीर बन गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप भी सुनकर हैरान रहोगे और देखकर भी हैरान रहोगे, जिस तरह से पूरी 90 डिग्री से भी घुरा लेते हैं शरीर को। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे, धन्यवाद।